रसायन मीन्स ऐसी औषधियाँ, चाहे आप बीमार हो या फिर चाहे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, या फिर इन औषधियों को अगर लंबे टाइम तक लिया जाए तो भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं रसायन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसायन चूर्ण के बारे में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, ओनली 3 औषधियों से बनने वाला यह चूर्ण बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर होती है ओनली 3 औषधियां, गिलोय, गोकुल एंड आंवला। है तो तीनों सिंपल सी औषधियां, लेकिन जब भी आपस में तीनों मिलती है तो एक टॉनिक का काम करती है। रसायन चूर्ण हमारी बॉडी में से वात एंड पित्त को कंट्रोल करता है, उसको काम करता है, हमारे शरीर के अंदर कफ को बढ़ाने का काम करता है। अभी आप बोलोगे कि कफ का मीनिंग सर्दी जुखाम, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कफ का मीनिंग वो अच्छा वाला कफ जो हमारे स्किन को मॉइस्चर रखता है, हमारे स्किन को यंग बनाने का काम करता है, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हेयर को नेचुरली लाइक रखने का काम करता है, जो आंखों की ड्राइनेस को खत्म करता है। इवन रसायन चूर्ण कॉन्स्टिपेशन, गैस होना, एसिडिटी, पेट ठीक से साफ ना होना, खाने के बाद हैवीनेस लगना, इसी प्रॉब्लम्स को भी खत्म करता है। पर बॉडी के अंदर वात इन पित्त की मात्रा ज्यादा होने की वजह से काफी लोगों को वॉशरूम जाने में दिक्कतें आती है, क्योंकि उनकी बॉडी में मल इतना ज्यादा मोटा हो जाता है पत्थर की तरह, कि वो आराम से मल को पास नहीं कर पाते, इसलिए वॉशरूम जाते टाइम उनको ब्लीडिंग होना, बहुत ही ज्यादा पेन होना जैसी तकलीफ होती है। जब बॉडी के अंदर वात इन पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो हमारी आंतों में से वो पानी को सोख लेता है, जो भी खाना डाइजेस्ट होता है वो मल में से उसका मॉइस्चर सोख लेता है, जिसकी वजह से हमारे जो टूल है, पॉटी है, वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाती है पत्थर की तरह। तो जब भी आप रसायन चूर्ण का यूज करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जब नेचुरली कफ की मात्रा बढ़ेगी तो उसको मॉइस्चर प्रदान करेगा और इजीली आपका टूल पसार होगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स को या फिर ऐसे मल की प्रॉब्लम को लंबे टाइम तक सॉल्व ना किया जाए तो आपको पायस, भगंदर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। रसायन चूर्ण का और एक मेन काम है हमारी सातों धातु को नरिशमेंट देना, हमारे सातों धातु को शुद्ध करना। बॉडी के अंदर जो रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सातों धातु को ये साफ करती है। स्पेशल अगर हम बात करें तो मज्जा धातु जो खराब होती है विरुद्ध आहार खाने की वजह से, ऐसे दो फूड जिन दोनों का नेचर अलग होता है, तो मज्जा धातु शुद्ध करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मज्जा धातु शुद्ध रहे या तो शुद्ध हो जाए तो आपको इस चूर्ण को भी विरुद्ध आहार के साथ लेना होगा। आयुर्वेदा में सबसे मेन विरुद्ध आहार माना जाता है देसी गाय का शुद्ध घी एंड शहद। अभी आप बोलोगे कि ये तो दोनों साथ में लेने से जहर है, लेकिन आप इन दोनों को अकेले में लेते हो तो आपकी बॉडी के लिए जहर का काम करेगा। आप किसी औषधि के साथ इसको लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जाके अमृत का काम करेगा। आप आधा चम्मच शहद ले लो, आधा चम्मच आप उसमें ऐड करोगे देसी गाय का शुद्ध घी और एक चम्मच उसमें आप ऐड करो रसायन चूर्ण का। इसको मॉर्निंग आपकी स्टमक इंटेक करो, अगर 3 महीने इसको लिया जाए शहद घी के साथ, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा, आपकी मज्जा धातु को शुद्ध करेगा। रसायन चूर्ण के अंदर आंवला एंड गोखरू है जो ठंडे नेचर के है, और इसके अंदर है गिलोय जो गर्म नेचर की है, जैसे ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा बैलेंस चूर्ण है जो वात पित्त कफ तीनों दोषों वाले इसका इंटेक कर सकते हैं। रसायन चूर्ण लेने से ये हमारा औषध तत्वों को बढ़ाता है, हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग करता है। पुरुष या फिर महिलाओं में प्रमेह रोग मीन्स धातु का गिरना, पेशाब में धातु आना, वीर्य का बाहर आना, नाइटफॉल की शिकायत, महिलाओं में सफेद पानी की शिकायत, धातु गिरने की वजह से बॉडी के अंदर खून कम बनना, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कमजोरी रहना, शरीर का सूखने लग जाना, इसी प्रॉब्लम्स में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये आपकी धातु को शुद्ध करेगा, आपका जो स्पर्म का काउंट है उसको बढ़ाने का भी काम करेगा। मूत्र रोग जैसे कि पेशाब अटक अटक के आना, पेशाब में जलन, इवन जिनको पथरी की शिकायत है तो उसमें भी रसायन चूर्ण बहुत ही ज्यादा मदद रूप होता है। इन बालों से जुड़ी शिकायत जैसे कि हेयर फॉल होना, बालों के बीच में से टूटना, बहुत ही ज्यादा कमजोर बाल, आपके बाल बहुत ही ज्यादा डल दिखते हैं, आप चाहते हो कि आपके बालों के अंदर एक तरह का शाइन आए तो भी आप रसायन चूर्ण का यूज कर सकते हैं। अगर रसायन चूर्ण का यूज लंबे टाइम तक किया जाए तो आपकी बॉडी को नव निर्माण बनाने का काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो
बुढ़ापा आता है उसको एक कंट्रोल करता है, स्किन के ऊपर रिंकल्स आने नहीं देगा, स्किन को चमकदार बना के रखेगा। जो बुढ़ापे के अंदर कमजोरियां आती है, थकान महसूस होना, बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाना, कुछ काम करते ही बहुत ही जल्दी थक जाना, थोड़ा चलने पे सांसें फूलने लगना, तो ये प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को भर के रखने का काम करता है। अगर लंबे टाइम तक रसायन चूर्ण का सेवन किया जाए तो आपकी बॉडी में खून बढ़ाने का काम करता है, ये भूख बढ़ाने का भी काम करता है। ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, स्किन के ऊपर एक चमक लाएगा, खाने के अंदर भी रुचि लेके आएगा। रसायन चूर्ण को आप दिन में दो बार ले सकते हो, मॉर्निंग खाली पेट एंड रात को सोने से पहले, पानी के साथ या फिर गर्म दूध के साथ भी ले सकते हो। अगर चूर्ण को लंबे टाइम तक भी लिया जाए तो भी इसकी कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन पॉसिबल हो तो इसको 3 से 6 महीना कंटिन्यू लो, फिर इसको 1 से 2 महीने के लिए बंद कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।